नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह और बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। 26 दिसंबर को साल 2019 का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। बता दें कि यह सूर्य ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। इस ग्रहण की कंकड़ आकृति भारत के दक्षिणी भाग में ही दिखाई देगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस ग्रहण का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि, भाग्य भाव में पड़ने वाले इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप आपको मानसिक चिंता तो रहेगी, साथ ही संतान से संबंधित कष्ट भी हो सकता है। वृषभ राशि, आपकी राशि से अष्ट भाव में पड़ने वाले यह ग्रहण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। इस दिन कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने एवं गुप्त शत्रुओं से बच के रहें। मिथुन राशि, राशि से सप्तम भाव में पड़ने वाला ग्रहण दांपत्य जीवन के लिए अशुभ है। विवाह संबंधित वार्ता में कुछ और विलंब हो सकता है, किंतु हताश ना हो, यह ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। कर्क राशि, शत्रु भाव में पड़ने वाले इस ग्रहण के परिणाम स्वरूप कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता तो मिल सकती है, किंतु परिवार में स्वास्थ्य संबंधी चिंता बढ़ सकती है। सिंह राशि, राशि से पंचम भाव में पड़ने वाला ग्रहण शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अशुभ है, तो वहीं संतान संबंधी चिंता भी बढ़ सकती है। कन्या राशि, राशि से चतुर्थ भाव में पड़ने वाला ग्रहण पारिवारिक कलह एवं मानसिक पीड़ा दे सकता है, किंतु जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों का निपटारा भी होगा। तुला राशि, राशि से पराक्रम भाव में पड़ने वाला ग्रहण कार्य सिद्धि तो दिलाएगा ही, आपके साहस और पराक्रम की भी वृद्धि होगी। रुका हुआ धन भी आएगा, किंतु भाइयों से मतभेद ना पैदा होने दे। वृश्चिक राशि, राशि से धन भाव में पड़ने वाला ग्रहण आर्थिक तंगी ला सकता है, परिवार में भी कटुता बढ़ सकती है, इसलिए आपके संयम एवं धैर्य की परीक्षा होने वाली है, सावधान रहें। धनु राशि, आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रहण का संकेत है कि इस दिन एक एक कदम संभल संभल कर रखें, कोई भी बड़ा कार्य आरंभ करने से बचें, अति आवश्यक हो तभी वाहन चलाएं। मकर राशि, राशि से हानि भाव में पड़ने वाला ग्रहण अधिक भाग दौड़ एवं तंगी लाने का योग बनाएगा, अतः अपव्यय से बचते रहें, उच्च अधिकारियों से मधुर संबंध बनाए रखें, व्यर्थ विवादों में न उलझें। कुंभ राशि, राशि से लाभ भाव में पड़ने वाले इस ग्रहण के प्रभाव से आपकी आमदनी बढ़ेगी, नौकरी में पदोन्नति एवं नए अनुबंध की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। मीन राशि, आपकी राशि से कर्म भाव में पड़ने वाला ग्रहण कुछ प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसलिए शासन सत्ता का सही उपयोग करें, काम के प्रति ईमानदारी बरतें और अधिकारियों से मतभेद न होने दें।